हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं। बेटा आज देखो बच्चों, हमें ओएम में नया टॉपिक पढ़ना है। बेटा ओएम के बेटा आपका जो मॉड्यूल है राइट ना, मॉड्यूल में जो सेकंड चैप्टर है ऑपरेशन प्लानिंग, ये हमें डिस्कस करना है। समझ चलो बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा मार्क्स के एग्जाम में आता है। सिंपल स्कोरिंग चैप्टर है बेटा, और इस चैप्टर में एग्जाम में थ्योरी के कंपेयर में प्रैक्टिकल प्रोपोर्शन ज़्यादा आता है। इसके प्रैक्टिकल में अच्छे से करने, और ट्रस्ट करो जितने क्वेश्चन बेटा मैं अभी क्लास में लूंगा एग्जाम में, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा मेरी गारंटी बेटा। जितने क्वेश्चन मैं लूंगा एग्जाम, इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये जितने क्वेश्चन कर एकदम अच्छे से बेटा करना है अपने को। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में ऑपरेशन प्लानिंग में बेसिक हमें डिस्कस क्या करना है। अगर आप किसी भी कंपनी को, अगर आपने को ऑपरेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल करना, तो कैसे कैसे प्लान करना चाहिए, उस कंपनी को क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे कुछ अलग अलग सेक्शन दिए जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ऑपरेशन को अगर आपको प्लान करना है तो सबसे पहले देखो बच्चों, ऑपरेशन को प्लान करने का सबसे पहले जरिया होता है फोरकास्ट। मतलब बच्चा अज्यूम करो, मैं से पूछूंगा बेटा मुझे बताइए कि सीएमए में, अब मैं पूछूंगा बताओ सीएमए इंटर में क्या लगता है आपको कितने मार्क्स आएंगे। आप बोलोगे सर 220 230 मार्क आएंगे। मैं बोलूँ कैसे बताया बेटा आपने। बोले सर मेरा गेस है ना सर, मुझे लगता है कि इतना मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे इतने मार्क्स आ सकते हैं। मतलब बेटा आपने क्या किया, गेस किया बेटा आपने। तो गेस करना मतलब क्या आता है, फोरकास्टिंग। बात समझ में आ रही बेटा आपको। तो यहां पे देखो ऑपरेशन जब प्लान करते, हर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सबसे पहले गेस करता है कितना प्रोडक्शन हो सकता है, उसे बोलते हैं फोरकास्टिंग। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे गेस करेंगे। देखो बच्चों, फोरकास्टिंग इज नथिंग बट द फ्यूचर प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर। और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए आपके पास कुछ पास डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ पास डेटा है, कुछ फिक्स पैटर्न अगर आपको पता है, उसके हिसाब से आप फ्यूचर का प्लान कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं छोटा एग्जांपल दूंगा बेटा। अज्यूम करो अभी आपको आपका फ्यूचर का प्रोडक्शन प्लान करने का है। देखो पहले साल में आपके कंपनी ने प्रोडक्शन क्या था 10,000 का। सेकंड ईयर में आपके कंपनी ने प्रोडक्शन क्या था 20,000 का। थर्ड ईयर में आपके कंपनी ने प्रोडक्शन क्या था 30,000 का। अब चौथा साल शुरू हो रहा है, मैं पूछूंगा बता बच्चों चौथे साल में, बता बच्चों मुझे चौथे साल में कितना सेल होगा, बता बच्चों फोर्थ ईयर में कितना सेल होगा, कितना प्रोडक्शन करोगे। समझा बेटा आपको, बताओ लॉजिकली बताओ। फर्स्ट ईयर में अगर 10,000 का सेल हुआ है, सेकंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 30,000, बोलो फोर्थ ईयर में कितना हो गया, और बेस कितना बेटा 40,000, कितना होगा बेटा 40,000। दैट्स इट, कोई मुश्किल है क्या बेटा आपने। इसका मतलब फोर्थ ईयर का आपने प्रोडक्शन या सेल प्रेडिक्ट कैसे क्या, बेस्ड ऑन पास डेटा। तो पास डेटा के हिसाब से प्रेडिक्शन करना, ये तो क्या आता है फोरकास्टिंग। समझा क्या बेटा, व्हाट इज फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर। व्हाट इज फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर बेस्ड ऑन पास डेटा। बट यार ये प्रेडिक्शन इतना आसान होता है क्या बेटा, कोई मुश्किल बता बेटा। अब देखो, अब हम देखेंगे प्रेडिक्शन करने के अलग अलग तरीके। बच्चों वैसे तो फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से सबसे जो मेन तरीका है जिसपे एग्जाम में प्रैक्टिकल आता है फोरकास्टिंग के, बाकी मेथड हम पढ़ेंगे थ्योरी के लिए बेटा काम में आएंगे, प्रैक्टिकल में काम नहीं आएंगे। प्रैक्टिकल में फोरकास्टिंग का एक ही काम में आएगा जिसका नाम है ट्रेंड एनालिसिस। क्या बेटा होता है ट्रेंड एनालिसिस। एक्चुअल में फोरकास्टिंग मतलब प्रेडिक्शन करने के, चलो बेटा फोरकास्टिंग मतलब प्रेडिक्शन करने के 6 आपके बुक में मेथड दिए, मैं सब बता। मतलब बेटा अभी बेटा हमको पढ़ना ट्रेंड एनालिसिस, इट इज वन ऑफ द ऑफ फोरकास्टिंग। अब देखो व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस, नाम में लिखा है बेटा मुझे आता। आप जब शॉपिंग देखो कहते ना, जब शॉपिंग करते ना सबसे पहले अपने दिमाग आता है अरे लेटेस्ट जो फैशन चल रहा है, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, कपड़े खरीदते हैं बेटा। हमेशा देखो लोगों का मेंटेलिटी जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करते हैं। नो, जैसे बेटा मैं आपकी बात करूंगा, सोशल मीडिया की बात करूंगा, फेसबुक इंस्टाग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम। बोलो बच्चों यूज क्या करते हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम। बेस इंस्टाग्राम सर कुछ सालों सर फेसबुक पे था सर, ठीक है सर इंस्टाग्राम में सर, आज हर एक बंदा इंस्टाग्राम सारे यूज करता, हम भी यूज करते इंस्टाग्राम। तो सिंपल आपका मोटो है जो ट्रेंड में उसको क्या करेंगे, फोरकास्ट में ट्रेंडलिसिस क्या बोलते हैं, किसी भी डेटा पीछे किसी चीज के ट्रेंड होता है, एक पैटर्न होता है, अब पैटर्न को समझ आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट आसान हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला चैप्टर है
एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर। बिल्कुल सर, सही से कैसे बेटा? क्या क्या देखा पिछले 5 टाइम के पेपर देखे, 5 के पेपर में चैप्टर वेट का मुझे चला, पिछले 5 अटेम्प्ट इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन। मैंने बोला बच्चा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ट्रेन में समझा क्या फैशन है का के फैशन में ट्रेन में चला तो इस चैप्टर अच्छे से करके कर। इस मैंने कहा, मैंने बोला यस सर। अभी क्या करे बेटा का आप पेमेंट की बात कर रहे हो, अब समझ ट्रेन कैसे होता है बोल दीजिए आप। आपको मैथमेटिक ट्रेन को बेटा आपको ओके ऐसा करते ट्रेंड इसमें ट्रेंड एनालिसिस में ट्रेंड फॉर्म तो अभी जो बता के लिए तो जाएगा बेटा बस सुन तो बेटा बाकी लगाओ 10 मिनट के लिए बस करो सबसे पढ़ बता देखो करो आप कुछ यहाँ पे इनके लिए समझेगा देखता हूँ और यहाँ से दैट ईयर है 2001 2002 और 2004 और से बेटा 70 करोड़ 120 चल दिए और सब चल दिए मुझे बता 2000 में सेल काम को और आना क्या 2000 साल में सेल समझा के बेटा 4 साल हमको और हमें साल का निकाल सबको झेप आपको अब कैसे हमें का सेल और साल का निकाल अब बेटा मुझे मुझे पढ़ मतलब सेल में एंड चल क्या चल रहा है सा बेटा ऐसे ईयर देंगे हम लोग क्या बोलेंगे तेल को वा क्योंकि हमें हर सेल एक का 2000 सेल दिया 2005 सेल बोला हम लोग और बोला क्या जाता रोज तेल या रोज तेल मतलब वाई में और मतलब और वाई में कुछ लीनियरशिप मतलब एक्स के बीच रिस लीनियर रिलेशनशिप एक्स वाई अब अच्छा वाई कुछ नियर ट्रेंड होता अगर आप सौर ग्राफ आप लोग व्हाट नियर ट्रेंड आप इसके ऊपर ईयर और वाई लोगे एल का ग्राफ लोगे चार एक चले दो चले ग्राफ के लाइन के और वाई को ने अरे आई मतलब अगर साल से का ग्राफ करो नोट के शेप ओके ना ना तब इससे ले पक्का चलो बेटा शायद सर माइक की बैटरी बेटा ये हो गई थी, टेंशन मतलब इसके पहले कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगा समझा नहीं होगा टेंशन मतलब ज़्यादा कुछ बताया नहीं मैंने, बस मैंने इतना बोला कि ईयर को हमने एक्स बोला है और सेल को क्या बोला है वाई। अपने को अलग अलग ईयर का सेल दिया 2001 का सेल दिया 2002 का सेल दिया 2003 का सेल दिया बेटा आपको हर साल का सेल आपको दिया और आपको बताना क्या है 2005 का सेल बताना है और हम ऐसे बिलीव करते
एक्स और वाई के बीच में देयर इज सम लिनियर रिलेशनशिप. क्या बोलेंगे? लिनियर रिलेशनशिप. मतलब क्या है? एक्स और वाई का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन. इतना बस सुनते जाओ, बाकी दिमाग मत लगाओ. अब देखो इसका मतलब क्या होता है. अगर एक्स और वाई के बीच में, एक्स मतलब कौन है बेटा? हमारा ईयर है. और वाई मतलब कौन है? सेल. ऐसा कहा जाता है एक्स और वाई के बीच में कुछ रिलेशन है, एक्स और वाई के बीच कुछ ट्रेंड है. अब हम सोचेंगे इस ट्रेंड का इक्वेशन क्या है. एक्स और वाई के बीच जो ट्रेंड है, बीच जो इक्वेशन है, उसका फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. दोबारा बता रहा बच्चों में, एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में जो इक्वेशन है, एक्स और वाई के बीच में जो इक्वेशन है, जो ट्रेंड है, उसका बेटा फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. यहां पे एक्स मतलब कौन है बेटा? ईयर है. और वाई मतलब कौन है? सेल. अभी की बात करो, एक्स मतलब कौन है बेटा? ईयर है. और वाई मतलब कौन है? सेल. अब देखो मुझे 2005 का सेल निकाला. बोलो बच्चों किसका सेल निकाला? 2005 का. अब बताओ 2005 का सेल निकालना है तो आप बताओ एक्स और वाई में से किसकी वैल्यू पता है और किसकी वैल्यू निकालनी है. 2005 मतलब एक्स पता है, सेल मतलब वाई निकालना है. यस और नो? 2005 मतलब एक्स मुझे पता है और सेल मतलब मुझे क्या निकालना है? वाई. एक्स मुझे पता है, निकालना है क्या है? वाई. तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर एक्स अगर आपको पता है और वाई अगर आपको निकालना है तो वाई को निकालने के लिए क्या क्या पता रहना चाहिए? ए और बी. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे? ट्रेंड एनालिसिस. इसमें क्या देख रहा है? एक्स और वाई के बीच कुछ इक्वेशन दिया था बेटा. उस इक्वेशन में पहले हमें इक्वेशन को ढूंढना है, फिर आपको 2005 का सेल निकालना है. उसके लिए पहले इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा. इक्वेशन ढूंढने के लिए हमें कितनी बातें चाहिए? दो. कौन से? ए और बी. सुनते जाओ, मैंने पहले बताया, बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, धीरे धीरे समझेगा. बताओ इक्वेशन निकालने के लिए कितनी बातें चाहिए? दो. कौन कौन सी? ए और बी. अब सवाल उठता है हाउ टू फाइंड दिस ए एंड बी. देखो बच्चों अगर ए और बी को अगर आपको ढूंढना है, उसके लिए ऐसा कहा जाता है, उसके लिए दो मेथड है, मेथड वन और मेथड टू. ओके, अगर आपको ए और बी निकालना है, कितने बच्चों मेथड है? दो. मेथड वन काम में तब आएगा व्हेन समेशन एक्स इज जीरो, व्हेन सम ऑफ ऑल एक्स इज जीरो. या फिर सिंपल भाषा में अगर बोलूंगा बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में ईयर दिए, इफ ईयर आर गिवन, अगर बस सुनते जाओ मैं सबसे पूरा बता दूंगा, इफ ईयर आर गिवन यूज करेंगे मेथड वन, एंड इफ ईयर इज नॉट गिवन या फिर इफ डेटा अदर देन ईयर इज गिवन देन यूज करेंगे मेथड टू. सिंपल भाषा में बेटा देखो, आपको यहां पे इक्वेशन निकालने के लिए पहले क्या चाहिए? ए और बी. ए और बी को ढूंढने के लिए बेटा कितने मेथड है? दो. मेथड वन काम में कब आएगा? व्हेन ईयर आर गिवन. और मेथड टू काम में कब आएगा? व्हेन ईयर आर नॉट गिवन. सिंपल, व्हेन डेटा अदर देन ईयर इज गिवन, बट ईयर आपको नहीं दिया. ओके, अब इसका मतलब क्या? इसके ऊपर क्वेश्चन देखो बेटा, सारा पार्ट अच्छे से आपको समझेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं, मैं सबसे पूरा बता दूंगा बेटा. अब देखो ये बड़ा इनिशियल बच्चों को, मैं सारे बच्चों के मॉड्यूल क्वेश्चन लेने वाला हूं बेटा, उसके बाद मैं एग्जाम क्वेश्चन भी लूंगा. पहले मॉड्यूल में से क्वेश्चन, ये बड़ा मॉड्यूल में से आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ के निकालिए. चलो बेटा पढ़ा आपने क्वेश्चन, देख एकदम सिंपल क्वेश्चन है. दो क्वेश्चन देखिए, दो सम से पूरा फंडा समझा, बिल्कुल मुश्किल नहीं बेटा. ओके, देखो क्वेश्चन वन में क्या बोला है. फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा ऑफ द सेल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट द सेल फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर. क्या बोले? प्रोजेक्ट सेल फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर. क्या बोले? 2001 का सेल दिए, 2002 का सेल दिए, 2003 का सेल दिया, 2007 तक का बेटा आपको सेल आपको दिया, 2001 से 2007 का आपको सेल आपको दिया. और आपको बोला क्या पता बच्चों? आपको क्या बोला है? अगले तीन साल का सेल निकाला, मैं 2008, 2009, 2010 का सेल निकाला. बच्चों जब भी इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्लिक होना चाहिए, अरे आपने को फ्यूचर का सेल पूछा है, फ्यूचर का सेल अगर बताना है तो सम किसका का बेटा? फोरकास्टिंग का. झिपा के बेटा, सम किसका है? फोरकास्टिंग का. अब देखो फोरकास्टिंग का सम सॉल्व करना है. मैंने बताया था बेटा फोरकास्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, ईयर को क्या करेंगे? एक्स लेंगे, और सेल को क्या लेंगे? वाई. ईयर का बच्चों क्या लेंगे? एक्स. और सेल को क्या लेंगे? वाई. मैंने बताया था एक्स और वाई के बीच में इक्वेशन होता है,
क्या इक्वेशन है बेटा, y इज इक्वल टू क्या है, a प्लस bx। बोलो क्या इक्वेशन है बेटा, y इज इक्वल टू क्या है, a प्लस bx। अब बता आपको आपको करना है क्या है, 2008, 2009, 2010 का सेल बता रहे हैं। सेल मतलब क्या निकालना है, x या y। बच्चों बताओ सेल मतलब क्या निकल, एक्स या वाई आपको निकालना है। और आपको ईयर मतलब एक्स पता है क्या, यस 2008, 2009, 2010 ये ईयर मतलब एक्स आपको पता है और सेल मतलब वाई आपको निकालना है। क्या पता बेटा आपको एक्स, क्या ढूंढना है वाई। अब जाहिर सी बात है बेटा एक्स से अगर मुझे वाई निकालना है तो पहले मुझे इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर इक्वेशन मतलब क्या है, वाई इज इक्वल टू 2 + 3 (y = 3 + 5x, y = 7 + 4x) ऐसे अगर मुझे x और y के बीच का इक्वेशन पता है, उसमें x की वैल्यू क्या करेंगे पुट, इससे मुझे क्या मिलेगा y। झेपा क्या बेटा, अगर मुझे x और y के बीच का इक्वेशन पता है उसमें x मतलब ईयर क्या करेंगे पुट, उससे मुझे क्या मिलेगा y। लेकिन यार ये इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, a और b। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या, मैंने पहले बताया, दो सम तक पेशेंस को पूरा समझेगा बेटा। अगर आपको यहां पे y की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन। और इक्वेशन निकालने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, a और b। कैसे, मैंने अभी अभी बताया था कि यार इक्वेशन निकालने के लिए a और b को निकालने के लिए कितने मेथड है, दो। मेथड वन काम में कब आता है, व्हेन ईयर आर गिवन। फिर से बताओ बच्चों, मेथड वन काम में कब आता है, व्हेन ईयर आर गिवन। अब बताओ बच्चों क्या इस क्वेश्चन में आपको ईयर आपको दिए क्या, हा या ना, बता बच्चों क्या इस क्वेश्चन में आपको ईयर आपको दिया क्या, यस। अगर ईयर अगर आपको दिया है तो कैसे करना चाहिए, मैं एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, देखो सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको यहां पे नहीं तो सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपको देखो ए और बी निकालना है तो सिंपल एक काम करो, ए और बी को निकालने के लिए हम बनाएंगे दो इक्वेशन। कितने बेटा, दो इक्वेशन, सुनते जाओ। यहां पे कितनी बातें चाहिए बेटा, दो। कौन कौन सी, ए और बी। और आपको बताया कि मैथ्स में दो अननोन को निकालने के लिए, मैथमेटिक्स में दो अननोन को निकालने के लिए आपको चाहिए दो इक्वेशन। ये पता है क्या बेटा आपको, एक अननोन के लिए चाहिए एक इक्वेशन और दो अननोन के लिए चाहिए बेटा दो इक्वेशन। अब कितने अननोन है, दो। कौन कौन से, ए और बी, उसके लिए चाहिए दो इक्वेशन। ये दो इक्वेशन होते हैं समेशन, पहला इक्वेशन है समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। टेंशन मत लो, प्रैक्टिस याद हो जाएगा। बोले पहले क्वेश्चन क्या है, समेशन y इज इक्वल टू क्या है, एन ए प्लस बी समेशन x। और बता बच्चों दूसरा इक्वेशन बताओ क्या होता है, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें ए और बी ढूंढना है। सुनते जाओ बस बेटा, मुझे आप पे इक्वेशन निकालने के लिए कितनी बातें चाहिए, दो। कौन कौन सी, ए और बी। और ए और बी नाम के दो अननोन निकालने के लिए कितने इक्वेशन है बेटा, दो। इन दो इक्वेशन को यूज करके हमें ए और बी निकालना है। ये पूरी बेसिक थी में। अब चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, पूरा फंडा समझेगा एकदम आराम से बेटा। देखो क्वेश्चन में ईयर दिया और सेल दिया। ईयर क्या क्या दिया, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। ये सात साल दिए बेटा। और सेल कितना दिया बताओ, 80, 90, 92, 83, 94, 99, फिर 2007 के लिए क्या होगा बच्चों, 92। ओके, तो 2001 का सेल दिया, 2002 का सेल दिया, 2003 का सेल दिया। ओके बेटा, आपको ईयर और बच्चों क्या दिया, सेल दिया। ओके बच्चों, ईयर और बच्चों क्या दिया, आपको सेल दिया। अब समझना बेटा अभी क्या करेंगे, मुझे बता हमें दो वेरिएबल चाहिए, एकदम आराम से, एकदम सिंपल, टेंशन मत लो बेटा। दो वेरिएबल कौन से चाहिए बच्चों, एक्स और वाई। अब बता बच्चों वाई मतलब कौन है, सेल। वाई मतलब कौन है, सेल। जो भी सेल का डेटा दिया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाई।
ओके, सेल को क्या बोलेंगे? वाई। अब एक्स क्या है? क्वेश्चन बोला सर एक्स मतलब कौन है? ईयर। एक्स तो ईयर है, बट थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके, क्योंकि बच्चों ईयर में नंबर बढ़े ना, 2001 है, 2002 है, तो तीन कितने नंबर बढ़े बेटा, छोटा करना पड़ेगा बेटा। अब इसको छोटा करना है तो एक काम करते हैं, क्यों ना एक काम करो, मुझे बताओ इन सभी ईयर में से बताओ मिडल ईयर कौन सा, बताओ सब में से मिडल ईयर कौन है। देखो फर्स्ट लास्ट छोड़ दो, सेकंड सेकंड लास्ट छोड़ दो, थर्ड थर्ड लास्ट छोड़ दो, बीच में कौन है? 2004। जीपा बेटा हमने क्या किया? अब देखो बच्चों मुझे ईयर से अगर एक्स निकालना है तो सबसे पहले मिडिल ईयर ढूंढा बेटा, फिर क्या करेंगे हर एक साल में से 2004 क्या करेंगे लेस, ईयर में से हर ईयर में से, ईयर है क्या बेटा, वाई आर मतलब ईयर, हर ईयर में से 2004 क्या करेंगे लेस, तो उससे एक्स मिलेगा। हर ईयर में से 2004 क्या करेंगे लेस बताओ, 2001 माइनस 2004 कितना आता है? -3। 2002 माइनस 2004 कितना आता है? -2। 2003 माइनस 2004 कितना आता है? -1। 2004 माइनस 2004 कितना आता है? 0। 2005 माइनस 2004 कितना आ रहा है? 1। 2006 माइनस 4 कितना आ रहा है? 2। फिर 3। आपको समझा हमने क्या किया बेटा? देखो हमें सॉल्व करना ट्रेंड क्वेश्चन, बस सुनते जाओ बेटा। उसके लिए हमें चाहिए दो वेरिएबल एक्स और वाई। सेल को क्या लिया? वाई। सेल को क्या लिया? वाई। ईयर को एक्स लेने वाले थे, बट ईयर के नंबर क्या थे? बड़े। छोटा करने के लिए सभी ईयर में से क्या लिया? मिडल वाला ईयर। सभी ईयर में से क्या लिया? मिडल। बोले मिडल में कौन है? 2004। फिर हर ईयर में से 2004 क्या क्या लेस, उससे मुझे क्या मिला बेटा? एक्स। समझा क्या बेटा? मुझे एक्स मिला, वाई मिला, एक्स मिला, वाई मिला। अब हम क्या बनाएंगे? टेबल। अब हम क्या बनाएंगे? टेबल। अब समझना बेटा, अगर आपको टेबल बेटा बनाना है, ध्यान सुना बेटा, टेबल में हम लोग बनाएंगे चार कॉलम। कितने बेटा? चार। बोलो कितने कॉलम बच्चों? चार। एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। जिन लोगों ने बच्चों कभी फाउंडेशन बेटा अगर कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ा होगा, सेम टाइप का है। बता बच्चों मुझे यहां पे टेबल में कितने कॉलम बनाएंगे? चार। कौन से? एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। बोलो बोलो कितने कॉलम? चार। कौन कौन से? एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। एक्स तो आपको पता है, वाई तो आपको पता है, एक्स वाई करूं क्या? एक्स वाई कैसे करेंगे? एक्स को मल्टीप्लाई करो वाई से, एक्स को मल्टीप्लाई करो वाई से। चला कल से बेटा एक्स इन टू वाई, 18 टू माइनस 3 कितना आता है? -240। 19 टू माइनस 2 कितना आ रहा है? -180। 19 टू माइनस कितना आ रहा है? -92। और 83 इंटू 0 कितना आ रहा है? 0। और 94 इंटू 1 94। 99 इंटू 2 कितना आ रहा है? 198। 92 इंटू 3 कितना आ रहा है? 276। झेपा क्या बेटा? x पता था, y पता था, x को y से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? एक्स वाई। ओके अब एक्स स्क्वायर करो, सभी x का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। किए क्या बेटा? अब इन सब का क्या करेंगे? सम। समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स स्क्वायर। चलो फटाफट बेटा कैलसी निकालो और फास्ट फास्ट सबका सम करो। पहले बेटा एक्स का सम करो, नंबर दिख रहा है बेटा? एक्स का सम करो, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? सभी एक्स का सम क्या करे? अब एक काम करो बेटा, वाई का सम करो। एटी प्लस 90 प्लस 92 प्लस 83 प्लस 94 प्लस 99 प्लस 92 630। ओके बेटा अब एक काम करो, एक्स वाई का सम को चलो फटाफट एक्स वाई का सम करो रे। एक्स वाई के सम के लिए पहले ये सब नहीं, पहले सारे पॉजिटिव पहले ऐड करो बेटा, फिर निगेटिव ले उसको, पहले सारे पॉजिटिव ऐड करो। पॉजिटिव में कौन कौन है? 94 प्लस 198 प्लस 270 प्लस पॉजिटिव ऐड के, फिर लेस करो निगेटिव, कौन कौन इसमें से? 240 लेस करो, फिर 180 लेस करो, फिर क्या करेंगे? 92 क्या करेंगे लेस, कितना? 56 सम आ रहा है। और एक्स स्क्वायर का सम करो, 9 प्लस 4 अरे शिट माइनस वन का स्क्वायर बनाएगा ना, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक बेटा, यहाँ पे वन। अभी करो सम बेटा, 9 प्लस 1 10 14 20 आ रहा है क्या सम? समझा गया बेटा? चलो फिर से मुझे बताओ हमने क्या किया, देखो रिवाइज करते बेटा। हमें ईयर और सेल दिया था बेटा, सेल को सीधा सीधा हमने क्या बोला? वाई। सेल को हमने क्या बोला बेटा? वाई।
एक्स कैसे निकाला, ईयर को छोटा करने के लिए मिडिल ईयर क्या किया, लेस, एक्स मिला वाई मिला, फिर कितने कॉलम बनाए, चार, एक्स वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर, और सबका क्या क्या सब इतना समझाया क्या बेटा, अब ये सब क्यों किया, अरे मैं ढूंढना क्या था, ए और बी, ए और बी कितने अननोन थे, दो, बोले दो अननोन को निकालने के लिए कितने इक्वेशन थे, दो, इन दो इक्वेशन का इस्तेमाल करके ए और बी निकालना है, इक्वेशन पता बेटा आपको, चलो पहले क्वेश्चन बताओ, बोलो बोलो पहले क्वेश्चन क्या, बोल के सुनाओ, समेशन y इज इक्वल टू क्या है, एन ए प्लस बी समेशन x, दूसरा इक्वेशन क्या है, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन x, बहुत टफ लग रहा है, ट्रिक बताओ याद रखने के लिए, अब सुनो बेटा इसे याद कैसे रखेंगे, बोलो बेटा अपना बेसिक इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अगर आपको बनाना है पहला इक्वेशन, पहले क्वेश्चन सिंपली एक काम करो, सभी साइड में लो सम, सम किसका लेंगे, वेरिएबल का, y वेरिएबल है उसका आपने सम किया, यहां पे कौन बच्चों वेरिएबल है, x है उसका आपने क्या किया सम, देखो x और y कौन है हमारे वेरिएबल, y का क्या किया सम, x का क्या किया सम, बट यहां पे कुछ वेरिएबल है क्या बेटा, कुछ नहीं, मतलब क्या चिपकाएंगे, n, याद रखो बेटा जैसा कोई नहीं उसका क्या होता है n होता है, झेपा के हमने क्या किया बेटा, ट्रिक है याद रखने के लिए, y का क्या किया सम, सभी साइड में क्या सम किया, y का सम समेशन y, x का सम समेशन x, बट यहां पे a मतलब सिर्फ कौन था कॉन्स्टेंट, कोई वेरिएबल नहीं था, तो सामने क्या चिपका दिया n, झेपा क्या बेटा, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए, दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए सिंपली एक काम करो बेटा, दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए सभी साइड को मल्टीप्लाई करो x से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, यहां पे x से मल्टीप्लाई करो तो कौन आएगा समेशन एक्स वाई, यहां पे x से मल्टीप्लाई करो x इंटू x क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहां पे x से मल्टीप्लाई करो तो कौन आएगा a समेशन x, कुछ लोग बोलेंगे सर n कहां पे गया बेटा, n आपने क्यों लिया, क्यों वेरिएबल नहीं था इसके लिए, वेरिएबल नहीं था इसके लिए n लिया था, एक बार बेटा वेरिएबल आ गया, एक बार वेरिएबल आ गया n की जरूरत नहीं है, याद रहेगा बेटा ये शॉर्टकट ट्रिक है, फिर से बता रहा, चलो बता बच्चा अपना बेसिक इक्वेशन बोलो, चलो फटाफट हम रट्टा नहीं मारेंगे, लॉजिकल याद रखेंगे फॉर्मूला, एग्जाम में क्या करोगे थोड़ा मिस्टेक तो मार जाएंगे ना अपने यार, छह मार्क का सवाल है, इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें कितने अननोन है, दो, a और b, ये दो अननोन को निकालने के लिए कितने चाहिए इक्वेशन, दो इक्वेशन, मुझे इक्वेशन याद नहीं आ रहे, बता बच्चों कैसे करेंगे, क्या करेंगे बोलो, सबको पहले क्या चिपकाएंगे समेशन, यहां पे चिपकाया समेशन, समेशन y, यहां पे समेशन चिपकाने के लिए वेरिएबल नहीं था, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है n, यहां पे b कॉन्स्टेंट है छोड़ दो, किसको देंगे समेशन x, समझा क्या बेटा, वेरिएबल को देंगे बेटा x, समझा क्या बेटा, अब इसके अलावा हम क्या करेंगे बच्चों, x को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, अभी क्या करेंगे दूसरे क्वेश्चन, x को मल्टीप्लाई करो क्या होगा समेशन एक्स वाई, फिर क्या होगा यहां पे x आ रहा है क्या बेटा, अगर x आ रहा है n को हटा दो, फिर यहां पे x से मल्टीप्लाई x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, झेपा क्या बेटा, यस और नो, इन दो इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको a और b ढूंढना है कैसे, अब एक काम करो इक्वेशन पता है इसमें वैल्यू पुट करूं क्या, देखो ना यार ये कौन था अपना x का सम था ना समेशन x था, ये कौन था समेशन y था, ये कौन था समेशन xy था, ये कौन था समेशन x square था, झेपा क्या बेटा, वैल्यू पुट करूं क्या बता बच्चों मुझे, समेशन y, बोलो बेटा समेशन y कितना है 630, समेशन y कितना बेटा 630, ओके एन ए बताओ एन मतलब क्या है नंबर, एन मतलब क्या है नंबर, एक दो तीन चार पांच छ सात नंबर ना बेटा, 2001 2002 2003 चार पांच छह सात वैसे भी काउंट करो नंबर कितना है बेटा एन, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एज इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वाई का सम 630 है बेटा, नंबर कितना है सात, ए आपको नहीं पता है छोड़ दो, बी इंटू क्या है समेशन एक्स, एक्स का सम कितना आ रहा है जीरो, तो बी इंटू जीरो कितना आता है जीरो आ रहा है क्या, बी इंटू जीरो कितना आ रहा है जीरो छोड़ दो, तो सेवन ए कितना आ रहा है 630, अगर सेवन ए 630 आ रहा है क्या बेटा, तो कैन यू फाइंड ए, सेवन ए कितना आ रहा है 630, बोलो तो ए कितना आएगा 630 बाय सेवन कितना आ रहा है 90, मिल गया क्या बेटा पहला इक्वेशन सॉल्व करके क्या मिला ए, अब सॉल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन, वैल्यू पुट करूं क्या, क्या क्या पुट करेंगे पहले समेशन एक्स वाई, बोले एक्स वाई का सम कितना है 56, ए इंटू समेशन एक्स कितना है जीरो, बी एज इट इज समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 28, समझा क्या बेटा समेशन एक्स वाई 56 रखा,
ए पता है फिर भी छोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है। समेशन एक्स कितना बेटा अपना जीरो है, बी नहीं पता है, समेशन एक्स कितना है 28। अब बताओ ए इंटू जीरो कितना आ रहा है जीरो, उससे कैन यू फाइंड बी, 28 बी अगर 56 है तो बी कैसे निकालेंगे, 56 बाय 28 कितना हो गया दो, 56 28 कितना हो गया दो, ए कितना बेटा 90, ए कितना बेटा 90 और बी कितना आ रहा है 2, ए कितना आ रहा है 90। एक बार ए मिला बी मिला उससे कैन यू फाइंड इक्वेशन, अब मैं थोड़ा यहां पे लिखूं क्या, ए मिला बी मिला तो बता इक्वेशन क्या बनेगा अपना, बोले इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बोलो बच्चों ए कितना मिलेगा बेटा 90, ए कितना मिलेगा 90, बी कितना आ रहा है 2, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए कितना आ रहा है बेटा 90 और बी कितना आ रहा है 2, ये हमारे एक्स और वाई के बीच का इक्वेशन है। समझा क्या बेटा, एक बार इक्वेशन मिला, एक बार इक्वेशन मिला, अब बताओ बच्चों हमें समय पूछा क्या था, नहीं पता है सर नालायक, समय पूछा क्या था, प्रोजेक्ट द सेल फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर, अगले तीन साल का सेल निकालना है। इक्वेशन मिला क्या, अगले तीन साल मतलब कौन है 2008 का आपको सेल निकालना है, 2009 का आपको सेल निकालना है और 2010 का आपको सेल निकालना है। समझा क्या बेटा, आपको तीन साल का आपको सेल निकालना है, अगर तीन साल का आपको सेल निकालना है। अब बताओ सेल मतलब क्या चाहिए, वाई, सेल मतलब क्या चाहिए वाई, वाई को निकालने के लिए क्या रखना पड़ेगा एक्स, वाई को निकालने के लिए क्या रखना पड़ेगा एक्स, कौन बताएगा एक्स कौन था, एक्स ईयर था क्या, नहीं रे बाबा, एक्स कौन था बताओ, एक्स ईयर था या ईयर माइनस 2004 था, दिख रहा है टेबल में, एक्स मतलब कौन है ईयर या ईयर माइनस 2004, हर ईयर में 2004 क्या करेंगे लेस, तो क्या मिलेगा एक्स। अब बताओ 2008 का भी एक्स कैसे निकालेंगे, ईयर में से 2004 क्या करेंगे लेस। समझा क्या बेटा, ईयर में से 2004 क्या करेंगे लेस, ईयर कितना है 2008 उसे 2004 क्या करेंगे लेस, एक्स कितना रहा बेटा 4। एक बार एक्स मिला, कैन यू फाइंड वाई, स्पीड ठीक है करे बेटा, एक्स मिला, अरे रे रे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, ऐसे मत कर गड़बड़ हो जाएगी। एक बार एक्स मिला, कैन यू फाइंड वाई, बताओ बच्चों वाई की इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू क्या है 90 प्लस क्या है 2x, वाई इक्वल टू क्या है 90 प्लस क्या है 2x है, किसके लिए पुट करो बेटा, एक्स की पुट करूं क्या, एक्स कितना है 4 ना, 2008 के लिए एक्स कितना आ रहा है 4, ये समझ में आ रहा है क्या बेटा, अगर दिक्कत है प्लीज मुझे बताओ बाद में मैसेज करके, एक्स कितना बेटा 4 है, 4 इंटू 2 कितना आ रहा है 8, 8 प्लस 90, 98, यही तो मेरा कौन है वाई मतलब कौन है सेल ऑफ 2008, 2008 का सेल कितना होगा 98। अब 2009 का सेल निकालना है, इक्वेशन आपके सामने, पर 2009 का सेल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए एक्स, हाउ टू फाइंड एक्स, ईयर में से लेस करो 2004, ईयर में से लेस करो 2004, एक्स 5 मिला क्या, एक्स को रखो बेटा 5, एक्स को रखो बेटा 5 करो, 2 इंटू 5 कितना आ रहा है 10, 10 प्लस 90 कितना आ रहा है 100, 10 प्लस 90 कितना रहा बेटा 100, ये 2009 का सेल है। अब चाहिए किसका 2010 का, सबको समझा क्या बेटा, सभी से कंफर्टेबल है पक्का 100% श्योरली ओके, 2010 के लिए आप लोग कर लेंगे, ये सब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या बेटा, यस और नो ओके, तो एक काम करो यार इसको अच्छे से बेटा कॉपी करो, एकदम समझ के बेटा कॉपी करो ओके, चलो इस टाइप में काम करेंगे, मैं कल आपको दो क्वेश्चन और करा के दूंगा बेटा, चलेगा दो क्वेश्चन और करा के दूंगा, इसको बस लिख लो आराम से बेटा, मैं कल दो क्वेश्चन और करा के दूंगा, अच्छे से आपको समझेगा, चलो लिखते जाओ आराम से। ये ऊपर का भी लिखना है क्या आपको कुछ, चलो बस वीडियो पॉज लिखते जाओ, वीडियो पॉज करके चैप्टर का नाम लिखो, ऑपरेशन प्लानिंग ये सब लिखो, कि ऑपरेशन प्लानिंग, फिर ये फोरकास्टिंग लिखो, उसमें से फर्स्ट पार्ट फोरकास्टिंग और उसमें से पर ट्रेंड एनालिसिस।